दोस्तों, मैं आज आपको इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज के बारे में बताने वाला हूँ, और अगर आप इसे समझ गए, इसे हैंडल कैसे करना है ये एक बार सीख गए, तो यकीन मानो आप वो सब कर पाओगे जिस चीज के आज आप सपने देखते हो। पर आपसे एज यूजुअल एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज तक का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें आज आप एक लाइफ चेंजिंग लेसन सीखेंगे। और अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा तो ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वरना आप जानते हो आपको क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैं जिस पावरफुल चीज की बात कर रहा हूँ वो है वक्त। और आज इस वीडियो के बाद आप पैसों से ज्यादा इसकी कीमत करोगे। क्या आपको पता है कामयाब और नाकामयाब बंदे में क्या फर्क है? कामयाब बंदा जानता है कि उसे उसका पैसा और टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, और इसीलिए वो कामयाब है। और दूसरा बंदा ये नहीं जानता, इसीलिए गलत चीज में पैसा और गलत काम में टाइम को इन्वेस्ट कर देता है, और इसी वजह से वो नाकामयाब है। अबे, पैसों का इन्वेस्टमेंट तो समझ में आता है, पर ये टाइम का इन्वेस्टमेंट क्या है? तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। उसेन बोल्ट एक 100 मीटर स्प्रिंट चैंपियन है। लास्ट 3 ओलंपिक्स में वो केवल 115 सेकंड्स के लिए भागे हैं, और इसके लिए उन्हें 119 मिलियन डॉलर्स मिले थे, यानी कि ऑलमोस्ट एक सेकंड के लिए उन्हें 1 मिलियन डॉलर्स मिला था। क्या बात है ना, एक सेकंड में 1 मिलियन डॉलर। और उस 115 सेकंड्स के लिए उन्होंने 20 साल तक खुद को ट्रेन किया था। ये 20 साल का वक्त उनका इन्वेस्टमेंट था। ये थी वक्त की इन्वेस्टमेंट। ऐसी एक स्टोरी है पिकासो की। एक दिन वो एक होटल में बैठे थे, वहां पर एक लेडी आई और उसने पिकासो को उसकी स्केच बनाने की जिद की। इस पर पिकासो ने वहां के एक पेपर पर 2 मिनट में उस लेडी की एक तस्वीर बना दी, और उस लेडी को देते हुए कहा, दिस इज 1 मिलियन डॉलर स्केच। वो लेडी थोड़ी हैरान हो गई। मार्केट में जाकर जब उसने इंक्वायरी की तब वो शॉक हो गई, क्योंकि सही में वो स्केच 1 मिलियन डॉलर का था। वो लेडी वापस पिकासो के पास आई और उसने पूछा कि सिर्फ 2 मिनट में आपने ये 1 मिलियन डॉलर का स्केच कैसे बना लिया? और इस पर पिकासो ने हंसकर कहा, इस काबिलियत को पाने के लिए मैंने मेरे लाइफ के 25 से 30 साल इन्वेस्ट किए हैं, तब जाकर मैं ऐसी स्केचेस बना पाता हूँ। ये है वक्त का इन्वेस्टमेंट। इसलिए आप भी अपना वक्त ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना जो कि आगे जाकर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे। कहने का मतलब ये कि आज आपके पास टाइम है, उसे नए स्किल्स को सीखने में, नई नई चीजें सीखने में इन्वेस्ट करो, जिसके रिटर्न्स आपको जिंदगी भर मिलते रहेंगे। और अगर आज आप इसे वेस्ट करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। इसलिए अपने वक्त की कदर करो। अगर आज आप इसकी कदर नहीं करोगे तो कल ये दुनिया भी तुम्हारी कदर नहीं करेगी, क्योंकि अगर तुम्हारा वक्त अच्छा है तो सब अच्छे है, वरना बुरे वक्त में तो अपने भी बदल जाते हैं। और बुरे वक्त में कभी हार मत मानना, क्योंकि वक्त की एक खासियत है कि ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, बदलता जरूर है। दोस्तों, हम इसलिए में कुछ गिने चुने लोगों को ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, बाकियों की तरह वेस्ट नहीं। शाहरुख खान, जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार है, इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद वो सिर्फ 4 घंटा सोते हैं और बाकी का पूरा टाइम वो काम करते रहते हैं। अगर आप उनके फैन हो तो ये बात आपको जरूर पता होगी। दोस्तों, मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ उनका हमेशा एक ही रोना होता है कि मैं तो बहुत कुछ है पर टाइम ही नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोस्त, तेरे पास टाइम की नहीं, टाइम मैनेजमेंट की कमी है, क्योंकि एक दिन में सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं। और इसी 24 घंटे में धीरूभाई ने रिलायंस बनाई थी, इसी 24 घंटे में जैकमा ने अलीबाबा को बनाया था। तो फिर तुझे टाइम क्यों कम पड़ रहा है? क्योंकि तू टाइम को मैनेज करना नहीं जानता। दोस्तों, ये वक्त बहुत बड़ी चीज है। ये आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे सही चीज में इन्वेस्ट करते हो या फिर गलत चीज में वेस्ट करते हो। क्योंकि ये वक्त उन चीजों में से है जो कभी वापस नहीं आता। इस दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं जो अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं जो आने वाले वक्त को ना बदल सके। इसीलिए वक्त तुझे बदले, इससे पहले वक्त को ही बदल दे। और एक लास्ट बात, कभी भी अपने टाइम को किसी और के टाइम के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि हर कोई अपनी खुद की टाइमलाइन के हिसाब से जीता है। कोई 25 की उम्र में बिलियनियर बन जाता है और 50 में मर जाता है, तो कोई 50 में बिलियनियर बनता है और 90 साल तक जीता है। कोई 55 में रिटायर हो जाता है तो कोई 70 में अपने करियर की शुरुआत करता है। ऑल द बेस्ट एंड इन्वेस्ट योर टाइम टू इम्प्रूव योरसेल्फ।